नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अनुरोध कर रहा हूँ बिहार के सभी 538 अंचलों के अंचलाधिकारियों से BSSC फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम से संबंधित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट जिनकी सूची रोल नंबर की सूची नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र वर्ष 2013-14 हेतु निर्गत करने के लिए जिला पदाधिकारियों को कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और वो सूची निश्चित तौर पर सभी अंचलों को अपने अपने जिला पदाधिकारियों के द्वारा प्राप्त हो भी गई होगी। इक्का अंचलों से कैंडिडेट ने सूचना दी कि उनके अंचल में कोई सूचना अभी तक नहीं आ पाई है। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में निश्चित तौर पर कोई अंचल अब ऐसा नहीं होगा जहाँ वो लिस्ट उनके जिला से नहीं प्राप्त। मैं समझता हूँ कि इस समस्या का निराकरण हो गया होगा। फिर मैं दोहरा दूँ कि समान प्रशासन विभाग का पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को 20 मई 2022 को भेजा गया है। 22 मई 2022 को प्रेस नोट रिलीज हुआ है और 23 5 2022 को सभी जिला पदाधिकारियों को कंसर्न कैंडिडेट्स के रोल नंबर की सूची जिला पदाधिकारियों को भेजी गई है और सूचना के अनुसार कंसर्न कैंडिडेट अपने अपने अंचल कार्यालयों से संपर्क कर रहे हैं। वे फॉर्म 10 भी सादा कार्यालय को अपने ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ लगा दे रहे हैं और साथ ही फॉर्म 11 पूरी सूचनाओं को भरते हुए अपने हस्ताक्षर डेट और स्थान अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके साथ वो साक्ष्य भी उपलब्ध करा रहे हैं। साक्ष्य में सबसे इम्पोर्टेंट कि 31-10-2014 के बाद का करीब करीब सभी कैंडिडेट के पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है ही अपने अंचल से निर्गत, उसकी छाया प्रति वो अवश्य लगा दे रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य कागजात उनके पास है वो भी वो लगा रहे हैं। अंचल अधिकारी मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर जांच कर रहे होंगे। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन की स्थिति है तो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में प्रेस नोट से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आप स्थलीय जांच की अगर ज़रूरत है तो वो भी करेंगे वो तो। लेकिन कई लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी किया है और कुछ लोगों ने मेरे मोबाइल पर कॉल करके बतलाया भी कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग से के पत्र के साथ जो फॉर्मेट लगा हुआ है 10 और 11 उसमें हस्ताक्षर किया हुआ है इनिशियल। तो मैंने देखा तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ सभी कैंडिडेट्स के लिए कि जो भी सरकारी कार्यालय हैं उन्हें जो भी पत्राचार होते हैं तो फाइनली पत्र पर जब हस्ताक्षर होता है संबंधित पदाधिकारी का तो अपना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। पत्र एक पेज का अगर है तब तो नीचे इनिशियल करने की छोटा हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि एक पेज से ज़्यादा है तो हर पेज पर उस पदाधिकारी के द्वारा इनिशियल किया जाता है जिसे आप हम अल्प हस्ताक्षर कहते हैं, छोटा हस्ताक्षर कहते हैं। अगर पत्र एक पेज का भी होगा लेकिन एनेक्सर होगा, जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लिस्ट भेजा है कैंडिडेट के रोल नंबर का तो उसमें एक से ज़्यादा पेज हो सकता है, तो प्रत्येक पेज पर पदाधिकारी अपना इनिशियल करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन है पत्र का, प्रत्येक पेज का ऑथेंटिकेशन है। यह ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसमें से कोई, चूंकि प्रत्येक पेज क्रमांकित होता है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है, कि कोई पेज उसमें से निकाला नहीं जाए और उसकी हेराफेरी नहीं हो, कोई गलत चीज़ नहीं लगा दिया जाए। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म 10 पर जो आपको प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा अंचलों से निर्गत किया जा रहा है उस पर उनके हस्ताक्षर की जरूरत है, उनके मुहर की जरूरत है। और प्रपत्र तो सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट बना ही दिया है वर्ष 2013-14 के लिए, और जो फॉर्म 11 भी है उसमें भी आपको यह घबराने की जरूरत नहीं है कि इनिशियल है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, सारी सूचनाएँ भरी होनी चाहिए और उसमें डेट होना चाहिए, स्थान भरा होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इक्के दुक्के अंचल से यह भी मेरे यूट्यूब के कैंडिडेट ने मेरे यूट्यूब पर कमेंट किया है और
कॉल करके बतलाया भी है कि वहाँ पर अंचल कार्यालय को ये कन्फ्यूजन है कि उसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि चूँकि अभी के समय में डिजिटल ये बनता है सर्टिफिकेट, इसीलिए वैसी परिस्थिति में उनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इस संबंध में जिला पदाधिकारी से वो भी विमर्श कर सकते हैं। और इस ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर आप डिस्कस करके चला लीजिए। लेकिन डेट के मामले में ऐसी सूचना मिली कि कुछ जगह ये कन्फ्यूजन है कि पीछे का डेट तो यह स्पष्ट है कि 23/5 को लिस्ट गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जिलों, तो 23/5/2022 के पहले तो निर्गत होने का सवाल ही नहीं है, चूँकि वन टाइम मेजर है। इसलिए यह डेट के संबंध में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिस डेट पे वो दस्तखत कर रहे हैं फॉर्म 10 पे सर्टिफिकेट पे वही डेट उसमें आना चाहिए, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यह भी अनुरोध है अंचलों से कि जो कैंडिडेट के द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं कंसर्न पेपर्स के साथ पावती रसीद अवश्य उनको उपलब्ध कराई जाए, उस पर डेट नोट कर दिया जाए कि कब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस डेट पर कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट लेंगे, जो निर्देश है उसके अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के साइट पर वो अपलोड करेंगे, और उसकी 3 छायाप्रतियाँ स्व प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर के साथ वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। सभी के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।